हेलो एवरीवन, एक और नए व्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और विदिशा में है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और हमारी ट्रेन आने वाली है मालवा एक्सप्रेस और मालवा से हम लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। कल 5:10 पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे दर्शन के लिए। तो वीडियो में बने रहना, हम सफ़र का जो भी होता है सब कुछ दिखाएंगे बढ़िया से आपको, तो स्किप मत करना, एंजॉय करना वीडियो को, पसंद आए लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब। हम लोग जा रहे हैं 6 लोग 6 नहीं 5, 1 2 3 और 2 अंदर हैं, मिलाता हूँ बाकी के 2 है पापा। चलो तो ये बाकी के 2 लोगों से मिलो, इनको तो आप परिचित होंगे, ये जयपुर वाले ट्रिप में हमारे साथ थे, लालू महाराज और प्रमोद, ठीक है ना। हम 5 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। महाराज की बड़ी इच्छा थी यार, कहीं तो चलो, उनकी चलो कहीं भी ले चलो, मिजोरम ले चलो, ले चलो बस कहीं, नेपाल ले चलो। अब की बार जरूर अपन लंबी जाएंगे। जय माता दी। दोस्तों जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये आ गई ट्रेन मालवा एक्सप्रेस। तो भाई सब ट्रेन में बैठ गए हैं और निकल चुकी है गाड़ी। ये देखो हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, ये देखिए। और इत्तेफाक से एक सीट हमारी 65 नंबर उधर थी, तो महाराज को भी हमने एक्सचेंज करके इधर ही बुला लिया है और सारे के सारे एक ही जगह पर हो गए हैं। और ये विदिशा स्टेशन को छोड़ रही है गाड़ी, ये देखो। क्या खूबसूरत नज़ारा है जम्मू का। तो भाई सामने आप देखो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, बादल नीचे रह गए हैं और पहाड़ ऊपर है, ऐसा पहाड़ है, इतना खूबसूरत नज़ारा देखो आप। और भाई साहब इस वक्त हम लोग आ गए हैं मतलब पेट्रा पहुंचने वाले हैं, उधमपुर है ये जो है। मतलब रात में जर्नी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फुटेज भी जब तक हमने स्लीपर लिया लेकिन मैं ऐसी कुछ फुटेज ले नहीं पाए। और अब जो है यात्रा करेंगे हम, पहले तो जाएंगे फ्रेशअप होंगे और उसके बाद बैग वैग जमा करके फिर जाएंगे हम ऊपर चढ़ाई करने, ठीक है। और ये देखो हम सीध में आ गया, पहाड़ दिखाता हूँ। ये देखो ये पहाड़ बिल्कुल आसमान में घुसा पड़ा है, बादल जो है नीचे और पहाड़ ऊपर है, बहुत सारा पहाड़ तो दिख ही नहीं रहा है इतना ऊंचा है। ये वाला पहाड़ ना पूरा नहीं दिख रहा, आधा दिख रहा है आधा बादल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहाड़ वहाड़ तो बहुत है, वो देखेंगे मतलब गजब वाले नज़ारे जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल मज़ेदार। कैमरा डाल के देख देखो ताकि उसको यूज ना कर सकें कोई भी। अच्छा
कैसे डालना है? नहीं है प्लस से ऐसे कोई भी नहीं। हाँ निकाल लेते हैं, कई बार मैंने देखा है। हाँ ये ढक्कन देखो अपन निकालेंगे, सीन की कॉपी अपन कर रहे हैं, पूरा कॉपी कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, हाँ ये अंदर करो, हाँ निकाल के बताएंगे हम। क्या है कि ये दोबारा रीयूज कोई भी कर लेता है अगर अपन ऐसा इसको ढक्कन के साथ फेंक दे देते हैं। हाँ कैप दोबारा लग जाता है, इसको मोड़ के इसके अंदर डाल दो ना। हाँ इसको कोई दोबारा फिर इसको रीयूज नहीं करता। रहो निकाल के दिखाते हैं, निकालो निकाल के दिखाएगा। इसको वाला प्लास आता है, छोटा वाला प्लास आता है, उससे पकड़ा के निकाल दिया। नहीं आती भैया। अरे निकाल के दिखाया है, आईएएस एस्पिरेंट्स में दिखाया है, दिखाया है निकाल के, निकाल लेते हैं। वायरल फीवर की वो वेब सीरीज, अभी अभी यहाँ से नहीं, कुछ औजार से ये निकल जाएगा। छोटा ग्लास रहता है ना, ये हेलीकॉप्टर जो है आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है वैष्णो देवी का। हाँ अरे कितना शानदार नज़ारा यार, वो उतर गया, वो लैंड हो गया सीधा जाके, जगह तो ही नहीं। गलत कहाँ बना है, सही तो बना है। हेलीपैड पे जाके उतर गया है भैया हेलीकॉप्टर, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई गड़ 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 गड़। और ये अपने को इसी के ऊपर चढ़ाई करनी है क्यों? ये दिख रहा है मुझे, बहुत दिख रहा है माता। अच्छा वो ऊपर जाना है। अरे देखो भैया यही है जहाँ पे जाना है, ठीक है। और वो हेलीकॉप्टर की जगह वो है, वो चालू है अभी, वहाँ से वो पता नहीं कहाँ लेके जाता होगा। यहाँ से ऊपर रास्ता दिख रही है, रास्ता तो दिख गया मुझे, समझ आ रहा है। हाँ रास्ता तो मुझे दिख गया, मैं तो वो कह रहा हूँ अब हेलीकॉप्टर ऊपर कहाँ पर छोड़ता होगा। वो सामने हेलीकॉप्टर चालू है अभी भी। तो भाई साहब फाइनली हम कटरा स्टेशन पे पहुंच गए हैं, गाड़ी जो है लग रही है प्लेटफॉर्म पे, और अब उसके बाद फ्रेश अप होके और सीधे चढ़ाई, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। सामने है पर्वत जहाँ पे चढ़ाई करनी है हमको, और वो हेलीकॉप्टर पहुँच गया, ऐसा ऐसा घूम के उधर से वहाँ पहुँच गया, वो जा रहा है महाराज हेलीकॉप्टर। ओल बंदर, बंदरों से सावधान। फिर से हेलीकॉप्टर जो है घूम के इधर से वापस आ गया है, आवाज़ आ रही, और उधर पे जाएगा, उधर पे वो आ रहा है। सामने से कितना सुंदर नज़ारा, वो आ गया। कितना तेज जा रहा है यार ये। चलो तो ये है कटरा रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम जा रहे हैं अब वहाँ। बोलो एक खड़ा हुआ है जिसने दूसरे में उड़ान भर दी, ये तो यही चलता रहेगा। इतनी जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो भाई साहब फाइनली आ गए हैं स्टेशन के बाहर, और बहुत सारी भीड़ थी इसलिए भीड़ में जो है शूट करना उचित नहीं लगा। और ये रहा सामने, मतलब मेरे पीछे रेलवे स्टेशन, और ये रहा दरबार जहाँ पे अपने को चढ़ के जाना है, ठीक है, माता रानी के दरबार में। अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है बस स्टैंड। हाँ गलत आ गए अपन, चलें क्या वापस चलें, चलो और है ना। तो हाँ ये रास्ता है, वहाँ से सीधे बस स्टैंड पहुँच जाएंगे, इधर से घूम के जाएंगे। 160 पास में ही तो है, ठीक है। और सामने देखो बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे तापमान काफ़ी कम है ना,
और मतलब पहले की तुलना में तापमान बहुत कम है यहाँ पे, काफ़ी ठंडक है और आसमान देखो एकदम शाइनी और ब्लू ब्लू सा एकदम भन्नाट, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कभी अपनी जीवन में देखा ही नहीं, इससे खूबसूरत नज़ारा तो देखा ही नहीं। देखो है हाँ तो हम पैदल पैदल जाएंगे वहाँ तक, और पैदल तो चलना ही है, 16 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो भैया यहाँ पे ना जैसे ही आप वैष्णो देवी आओगे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ के सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे बाहर निकलोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत महंगे रेट में मिलेंगी, तो वहाँ से नहीं लेना, थोड़े आगे से लेना है। हम आगे आ गए हैं तो आप देखते हैं रेट क्या मिलते हैं। महाराज पूछना कितने जी बी डाटा भैया? अरे भाई तेरा नहीं करना, दुनिया का कर लूंगा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, अरे अरे गले पकड़ो, पकड़ने नहीं है भैया, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं जा रहा तेरा, अरे मैं फ्री में नहीं जा रहा तेरे साथ, तो भाई चिपको आदमी के साथ पसंद नहीं है। भैया यहाँ पे आप आओगे तो बहुत सारे एजेंट अपना कार्ड लेके आएंगे कि इतने रुपए में आपको होटल देंगे और क्या बोलते हैं आपको पहाड़ गंगा तक छोड़ेंगे हम गाड़ी से और स्टेशन भी छोड़ेंगे, ऐसे करके आपको बनाएंगे। लेकिन हम ऐसा अतलालू महाराज हैं, सुपर हीरो, सब कुछ साइड में कर दिया, छोड़ कर भाग जाएंगे अपन को पैसे ले ला के। हाँ ना होटल वाला फिर भैया करेगा अपने सामने। हाँ तो खुद ही करो। हाँ सही बात, हम चला जा करो ना, करो हाँ, खुद करेंगे अपन, खुद करेंगे, हमें तो आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, अपन स्वयं चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, बस सिम कार्ड ले लें भाई पहले। हाँ ले लो।